देवास जिले की भ्रष्ट नगर पंचायतों में शुमार। नगर पंचायत लोहरदा का एक और मामला सामने आया है। हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कई माह से हमें हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आज से हम सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसका आवेदन हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी अब्दुल रऊफ को दिया है। जब तक हमें हमारा पूरा वेतन नहीं मिलता तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी अब्दुल रऊफ सर की रहेगी। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय पार्षद प्रतिनिधि ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बैंक खाते की जानकारी लेनी चाहिए, जो उन्हें नगर परिषद में अकाउंटेंट संतोष श्रीमाली द्वारा नहीं दी गई, जिसके बाद पार्षद पुष्पाबाई द्वारा बैंक खाते की जानकारी के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन दिया गया। इस पूरे मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी लोहरदा अब्दुल रऊफ खान ने चुप्पी साधी हुई है। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।